नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर का फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन डिज़ाइन दिखाना चाहता हूं। इस बनते हुए घर के सामने की तरफ कुछ अलग टाइप का काम किया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस घर के साइड एलिवेशन के बारे में जान लेते हैं। ये देख सकते हैं कुछ अलग टाइप का यहाँ पर वार्डरोब बनाया गया है, जिसे घर के अंदर में हम लोग अलमीरा का उपयोग करते हैं, उसी का बाहर वाला ये हिस्सा है। इसके ऊपर में आप देख सकते हो कि जो हमारा गिट्टी रहता है उसका इस्तेमाल करते हुए उसे चिपकाते हुए कुछ डिज़ाइन बनाया गया है। चलिए चलते हैं इस घर के पीछे वाला कॉर्नर की तरफ। तो आप देख सकते हो एक छोटा सा एग्जिट डोर भी इस घर में लगाया गया है, और ये रहा इस घर का बालकनी। हालांकि इसमें स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का लगाने का जो काम है वो बाकी है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा में आप देखोगे तो पैरापेट वॉल के साथ इस घर का जो साइड एलिवेशन का लुक है उसे बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। प्लास्टर कटिंग का जो इस्तेमाल है इस घर में ज़्यादा किया गया है, जैसा कि आप साइड एलिवेशन में भी देख पा रहे हो। घर के ऊपर वाला हिस्सा में आप देख सकते हो सिंपल पैरापेट वॉल के सबसे ऊपर वाला हिस्सा में यहाँ पर पट्टी डिज़ाइन लगाया गया है, जिसके ऊपर एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसका लुक को बढ़ाया जा सकता है। ये तो दोस्तों बात था इस घर का साइड एलिवेशन का। जो भी इस घर का खिड़की है उसे आप देख सकते हो सिंपल डिज़ाइन का बनाया गया है। लेकिन अब चलते हैं इस घर के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। तो आप देख सकते हो कुछ 3.5 फीट के आसपास बाहर में छज्जा निकाला गया है, और पैरापेट थोड़ा और जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जो पैरापेट का काम किया गया है, पैरापेट वाल का जो काम किया गया है उस पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भी गिट्टी का प्रयोग और उसके साथ साथ जो पट्टी डिज़ाइन आप देख रहे हो उसे PVC पाइप के द्वारा बनाया गया है। साइड में आपने यहाँ पे भी जो खाली जगह देखा था उसे यहाँ पे भी खाली रखा गया है। यहाँ पे अभी रेलिंग लगाने का जो काम है वो बाकी है, तो देख लीजिए। यहाँ पे आप कुछ अलग टाइप का कॉलम का इस्तेमाल किया हुआ देखोगे, मैं हल्का जूम करके अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और ख़ास बात यह है कि इस कॉलम को ईंट की मदद से ही बनाया गया था। बहुत पहले मैं आप लोग के लिए इसका वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, ईंट से जुराई करते हुए और उसके बाद में प्लास्टर एक अच्छे तरह से करते हुए इसका लुक को बढ़ाने का काम है वो किया गया है। दो इस तरीका का जो कॉलम है उसका इस्तेमाल किया गया है। सामने की तरफ देख रहे हो इस दो कॉलम को स्क्वायर शेप का, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग किया जाएगा, और इधर सामने की तरफ भी जो बालकनी है वहाँ पर भी स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग करते हुए इसका लुक को बढ़ाया जाएगा। चलिए मैं आपको कॉर्नर व्यू भी दिखा देता हूँ, जिससे और भी ज़्यादा आप इस घर के बारे में आइडिया लगा पाओगे। तो देख लीजिए कुछ इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि पुट्टी के बाद एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ इस घर को पेंट लगाया जाएगा, तो उसके बाद भी मैं आप लोग के लिए वीडियो ला दूंगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोग के सामने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाया जाए, ताकि हर किसी का हेल्प किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुँचा जा सके। तो उम्मीद है हर वीडियो की तरह इस वीडियो से भी आपको कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको भी अपना नया घर बहुत ही जल्द मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।